नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर साह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है अनअकैडमी पे डाउट क्लियरिंग एजुकेटर कैसे बनते हैं, और साथ में मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक टिप भी देने वाला हूं, जहां पर आपको अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना चाहिए, जहां से आपको रिप्लाई मिलेंगे अच्छी तरीके से और वहां से आपके पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर एक मेल के अनअकैडमी पे डाउट क्लियरिंग एजुकेटर बनने का सबसे पहला स्टेप। आपको एक मेल आएगा, मेल में तीन क्वेश्चन दिए गए होंगे, उस तीन क्वेश्चन के आपको आंसर वीडियो फॉर्म में बना के इनको सबमिट करने हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अनअकैडमी ने कौन सी कैटेगरी के लिए डाउट क्लियरिंग एजुकेटर की पोस्ट रखी है, तो उसका आंसर दे देता हूं कि अनअकैडमी ने अभी फिलहाल ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12, ये चार सीबीएसई के ग्रेड के लिए डाउट क्लियरिंग एजुकेटर की पोस्ट रखी है, एज वेल एज आईआईटी जेडब्ल्यूई ग्रुप के लिए, उस कैटेगरी के लिए भी अनअकैडमी डाउट क्लियरिंग एजुकेटर की पोस्ट रखी है। यहां पर कौन अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर उसने अनअकैडमी पे अभी अभी ही अप्लाई किया है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अनअकैडमी पे अभी अभी ही अप्लाई किया है, अभी अभी ही गूगल फॉर्म फिलअप किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप और कोई कैटेगरी से भी इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप और कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ऐसा आप श्योरली कैसे कह सकते हो? तो फ्रेंड्स, मैं गेट एंड ईएसी कैटेगरी में पढ़ाता हूं और मैं यहां पर अप्लाई कर पाया हूं आईआईटी जेडब्ल्यूई कैटेगरी में भी, या कोई भी कैटेगरी में मैं कर पाता। किस तरीके से पूरी प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। वो अगर आप प्रोसेस को देखेंगे तब आप समझ जाएंगे खुद ब खुद कि क्यों ये सभी लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है या सभी लोगों के लिए ये रास्ता खुला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये मेल पे हम वापस आएंगे, बट सबसे पहले हमें करना क्या है, अपनी मोबाइल पे जो आपने अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करके रखी है उसको ओपन कीजिए। उसके अंदर प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाके नीड हेल्प सेक्शन में जाइए। जी हां, जहां पर हम सारी मैसेजेस करते हैं, सारे मैसेजेस करते हैं, उसी जगह पर जाना है। अगर आप जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ आएगा। ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप का यूज करके भी जाना चाहते हैं तो unacademy.com पे अपने आप को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए यहां पर एक नीचे चैट बॉक्स का मैसेज का बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये तो चीज हो गई क्लियर कि हमें करना क्या है, मोबाइल से भी कैसे करना है और डेस्कटॉप पे जाके भी कैसे करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। अब आगे क्या करना है, अब यहां पर हमें सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। सेंड मैसेज पे जाके हमारे पास तीन ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, लाइव क्लास टेक सपोर्ट, प्लस कोर्स स्पेशल क्लास सपोर्ट एंड अदर क्वेरी। अगर आपके पास ये तीनों चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको अदर क्वेरी लिख के ही अपना मैसेज स्टार्ट करना है। अदर क्वेरी लिख के, अगर ये तीनों चीज आपके वहां रिफ्लेक्ट कर रही है तो आपको अदर क्वेरी पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अदर क्वेरी पे क्लिक करके ही इनसे बात की थी। सी माय ऑल कन्वर्जेशन, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको। देखिए मैंने अदर क्वेरी पे इस मैसेज में क्लिक किया था, ये रहा अदर क्वेरी पे क्लिक। अदर क्वेरी पे क्लिक करके अलीशा मैडम ने ये मेल देखा था, ये मेरा चैट देखा था, तो अदर क्वेरी पे क्लिक करके मैं सेकंड टाइम जब लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर, हाउ कैन आई प्रोसीड, मैं कैसे प्रोसेस करूं मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू बिकम डाउट सॉल्विंग एजुकेटर। और मैंने कब ये मैसेज किया था, ये मैंने मैसेज किया था 3rd of October को, याद रखिएगा। और कब मुझे रिप्लाई आया, उनसे रिप्लाई आया मुझे 6th of October से, अक्टूबर पे। तो अगर आप आज
उनको मैसेज करते हैं यही प्रोसीजर फॉलो करके, तो आपको भी विद इन 7 days रिप्लाई आ जाएगा। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, हेलो आई होप द कंसर्न टीम हैज रीच आउट टू यू ऑन दिस, थैंक यू। तो कंसर्न टीम मुझे कॉल करेगी। अब 6 तारीख को इन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे कंसर्न टीम ने 6 तारीख को ही मेल भी भेज दिया शाम को 7 बजे, और उसमें तीनों क्वेश्चंस मुझे पूछे गए और बोला गया है कि ये तीनों क्वेश्चन का एक आंसर बना के आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए, उसको हम चेक करेंगे, अगर हमें सही लगा आपका अप्रोच तो आप एजुकेटर बन जाएंगे, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन जाएंगे ऑन बोर्ड। तो मैं पढ़ा रहा हूं गेट NEAC कैटेगरी में, बट मैं अप्लाई कर पाया हूं IIT JEE कैटेगरी में डाउट सॉल्विंग एजुकेटर की तौर पे। तो ये सभी के लिए ओपन है, चाहे आप दूसरी कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हो या फिर आप अभी अभी आपने वहां पर एप्लीकेशन दी है, अभी अभी ही आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया है और आपके पास मैसेज आ गया है कि अभी आपकी प्रोफाइल होल्ड पे रखी गई है, आप बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको लिया जाएगा, तब भी आप ये प्रोसीजर कर पाते हो क्योंकि आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, आपकी प्रोफाइल अनएकेडमी एजुकेटर ऐप पे दिखाई दे रही है, वहां पर नीड हेल्प सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जाके आप पूछ सकते हो। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स के, बस अभी तो ये तो क्वेश्चन हो गया फिनिश के किस तरीके से हमें डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनना है, बट मैंने जैसे इनिशियली कहा था वीडियो में कि अगर आप अनएकेडमी के साथ साथ दूसरे भी कोई प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म आपको देखने चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म से अभी अभी रिप्लाई आ रहा है, तो ऐसे 3 प्लेटफॉर्म का मैं आपको नाम बताऊंगा। नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोकस एडुमेटिक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर US बेस्ड स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और आपको पर मिनट के 3 से 4 रुपये यानी पर आवर के 180 से लेके 250 तक, यानी कि मंथली आपके पास एक, अगर हम वीक में 20 आवर्स गिनते हैं तो मंथली आपके पास 16,000 और ईयरली आपके पास 2 लाख तक के रुपीस मिल सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म एडुवेनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक CBSE बोर्ड का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, और वहां पर भी आप अप्लाई कीजिए। उनका तो टास्क भी खत्म करने की मैं आपको एंड डेट बता सकता हूं, 7th of December से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उनको वापस देना है, ऐसी जितनी मेरे साथ बात हुई है उनकी उतना मैं आपको बता रहा हूं। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, वो लोग भी जल्दी से अच्छी तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं। और थर्ड आपको तीसरा एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, स्विफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडुवेनर में आपको 10,000 से लेके 40,000 तक का पैकेज मिल सकता है, सिर्फ 2 ही महीने का काम है, पार्ट टाइम जॉब है, कर लीजिए, आप 10,000 से लेके 40,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और थर्ड जो मैं बता रहा हूं स्विफ्ट लर्न, वहां पर भी आपको 3rd स्टैंडर्ड से लेके या फिर 4th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग भी होती है, 1-to-ग्रुप कोचिंग भी होती है वहां पर, और वहां पर भी आपको 100-to-200 रुपीस पर आवर के बेसिस पे चार्ज मिल जाएगा, जो अल्टीमेटली आपको एन्युअली एक बरस में 2 लाख रुपए तक की आपकी इनकम हो पाएगी। तो आई होप कि आप फोकस एडुमेटिक्स, एडुवेनर एंड स्विफ्ट लर्न पे आप ट्राई करेंगे, और कोई भी आपको छोटा सा छोटा डाउट हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सारी लिंक मेरी जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, एज वेल एज इस डिस्क्रिप्शन में भी मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है, उसके साथ में आप कोई भी डाउट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको आंसर दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अवर नेस्ट, यानी हमारी जो फैमिली है मैक लर्न टू अर्न, वहां पर भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी मदद से ही मैं आपको आंसर दूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना मेरा एफर्ट हो रहा है तो आप एक छोटा सा एफर्ट कर दीजिए। अगर कोई भी पर्सन आपके ऐसे दिमाग में है कि जिनको नए नए प्लेटफॉर्म जानने हैं, जिनको जॉब की जरूरत है या वो जॉब करना चाहता है, ऑनलाइन ट्यूटर बनना चाहता है, तो प्लीज उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए। बाकी जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, लैपटॉप से लेके पेनटेप से लेके
कोई भी चीज एंटीवायरस की भी चीज अगर रिक्वायर्ड है तो उस सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अमेजोन के सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो परचेज कीजिएगा, मगर देख जरूर लीजिएगा, ऑनलाइन ट्यूटर बनने के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।